गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास टेंथ नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 4A का प्रश्न क्रमांक संख्या 1 के सारे पार्ट कराने जा रही हूँ। बच्चों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघाती समीकरण है। द्विघाती समीकरण का सूत्र आपको मालूम है कि ax2 + bx + c = 0। अगर ये समीकरण आपका इस रूप का होगा तो इसका मतलब है द्विघाती समीकरण है। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू होनी चाहिए। और अगर मान लो किसी की वैल्यू नहीं है तो उसमें हम उसमें वैल्यू जीरो रख देंगे। जीरो की वैल्यू का मतलब कुछ नहीं होता, लेकिन एक्स स्क्वायर जरूर होना चाहिए, एक्स की घात 2 होनी चाहिए। तो देखो पहला समीकरण है आपके पास x² - 8x + 12 = 0। देखो व्यापक वर्ग समीकरण के फॉर्मूले के हिसाब से a = उसमें कुछ नहीं है मतलब 1 हो गया, b = आपके पास -8 है, c = आपके पास +12 है। तीनों आपका रूट मिल गया, तीनों ना a + a b c तीनों मिल गया, तो आप लिख सकते हो अर्थात यह समीकरण द्विघाती समीकरण के रूप का है। दूसरा देखो आपके पास क्वेश्चन है सेकंड में, x + 1 / x = 5। नीचे वाले का देखो एलसीएम निकाल लो, एलसीएम हो गया तो यहाँ पर देखो आपके पास दोनों में यहाँ नीचे मान लो अगर 1 हो गया तो 1 को हमने x से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया, ऊपर देखो ऊपर को भी x से मल्टीप्लाई करेंगे यानी x² हो जाएगा। यहाँ आपके पास ऑलरेडी 1 है, इसको वैसे ही लिख दो। देखो इसको x की वैल्यू को जैसे नॉर्मल हम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही तरीका होता है कि यहाँ पर समझ लो कि 1 है, 1 से हमने x को मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर देखो x है तो जो नंबर था वो वैसे का वैसे ही। यहाँ देखो ये अब ये x जो था ये दूसरी साइड चला गया इधर इक्वल के इधर, तो ये इधर आपके पास क्या हो गया 5x हो गया, यहाँ से x खत्म हो जाएगा। फिर देखो अब क्या बन गया आपके पास, देखो x² और ये जो 5x था क्योंकि हमें व्यापक वर्ग समीकरण के रूप में रखना है ना, 5x को हम इक्वल के इधर ले आएंगे तो क्या हो गया प्लस का था -x हो गया और ये +1 वैसे का वैसे ही। देखो इसमें a की वैल्यू हो गई आपके पास कुछ नहीं है मतलब 1, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 1 हो गई। तो लिख सकते हो आप कि अर्थात यह समीकरण द्विघाती समीकरण के रूप का है। और तीसरा देखो सेम दिया हुआ है x + 5/x = x². देखो एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकाला तो यहाँ कितना हो गया x² हो गया, यहाँ 5 के नीचे x था तो ये कुछ नहीं चेंज होगा, ये x इधर चला गया तो कितना हो गया, यहाँ x² था एक इधर चला गया तो एक और मल्टीप्लाई हो गया यानी एक और बढ़ गया, x³ हो गया। अब x³ हो गया मतलब ये वर्ग खत्म हो गया तो ये व्यापक वर्ग समीकरण के रूप का नहीं हो गया, क्योंकि कैसे हो गया देखो ये x³, फिर यहाँ देखो ये x³ हमने वैसे वैसे रखा, इसको दूसरी साइड भेज दिया -x², फिर ये भी दूसरी साइड भेज दिया -5 = और ये x इधर चला गया = 0 खत्म हो गया। इसमें x की घात कितनी हो गई, 3 हो गई, अर्थात लिख दो कि यह ax² + bx + c = 0 के रूप का नहीं है। देखो फोर्थ क्वेश्चन आपके पास क्या है, x² - 5√x + 7 = 0, जिसमें भी बच्चों रूट की वैल्यू होती है, रूट का मतलब होता है आधी वैल्यू, और आधी वैल्यू का मतलब व्यापक वर्ग समीकरण के रूप का नहीं है। आप यहाँ साफ लिख दो कि इसमें जो ये b का मान है, a का मान यहाँ होता है, b का मान आपके पास -5√x है, इसलिए यह व्यापक वर्ग समीकरण के रूप का नहीं है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, 5 में दिया हुआ है x² - 5x - √x + 4 = 0। इसमें भी देखो रूट x की वैल्यू रूट में है ना, रूट का मतलब आधी वैल्यू, जो भी आधी वैल्यू होगी वो व्यापक वर्ग समीकरण के रूप की नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों इसका मैं आपको 6 कराने जा रही हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, x² - 1/x² = 4। नीचे का हमने एलसीएम निकाल लिया तो यहाँ पर देखो जब यहाँ देखो नीचे 1 हो जाएगा, 1 को हमने एलसीएम कितना है आपके पास x² है ना, 1 को x² से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी x² से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर ऑलरेडी आपके पास x² है तो ऊपर जब नीचे हमने x² से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर कितना हो गया भाई 2 से आपने 2 और मल्टीप्लाई कर दिया तो x की घात कितनी हो गई 4 हो गई। यहाँ पर नीचे x² था तो कुछ नहीं करेंगे, 1 का 1 लिख देंगे, ये जो x² था ये दूसरी साइड चला जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और कितना हो जाएगा 4x², इसको कैसे लिख सकते हो आप, देखो ये 4x, यहाँ देखो x की घात 4, सबसे पहले बड़ी घात लिखी जाती है x की घात 4, ये देखो ये x की घात x 4x² को इधर भेज देंगे -4x² - 1 = 0, तो आपके पास क्या हुआ यहाँ x की घात 4 हो गई तो अर्थात ये व्यापक वर्ग समीकरण के रूप का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, 5x² - 7x =
3x² - 7x + 3 सबसे पहले इक्वल के इधर के नंबर को इक्वल के इधर ले आओ। हमने देखो यहाँ ये 3x² प्लस का था, इधर भेज दिया माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, इक्वल टू जीरो रख दिया। देखो ये माइनस का 7x है या प्लस का 7x है, कैंसिल हो गया। बचा क्या आपके पास, यहाँ देखो x² और ये भी x² है, ये 5x² - 3x² साइन हमेशा बड़े वाले का आता है, 5 में से 3 माइनस कर दिए तो बचा 2x² और ये माइनस आपके पास 3। देखो ये व्यापक वर्ग समीकरण के रूप का है, कैसे, a की घात आपके पास कितनी है 2, b की घात x कुछ नहीं है तो b की घात हम 0 लिख सकते हैं, और c की घात हो गई आपके पास -3। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास 1/4x² + 7/6x - 2 = 0। देखो 6 और 4 का आप एलसीएम निकाल लोगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 12, यानी 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 × 3 = 12, और ऊपर भी 3 से कर दिया तो 3x² हो गया। देखो 6 को 2 से गुणा करेंगे, 6 × 12 तो 7 × 14x हो गया। फिर ये देखो एलसीएम इसके नीचे भी 1 मान लेंगे ना, इसको भी हम 2 से गुणा कर, किसको, इसके नीचे 1 हो जाएगा तो 12 बनाने के लिए 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 12 × 24 यानी 12 से गुणा करा तो कितना हो गया भाई, 2 को 12 से गुणा करा तो 12 × 24 यानी अब ये x इधर चला गया, 0 था, 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो ख़त्म हो जाती है, या तो ऐसे लिख सकते हो मल्टीप्लाई 12 यानी 0 हो गया। किस रूप का हो गया आपके पास, 3x² + 14x - 24। इसमें देखो ये आपका इस रूप का है व्यापक द्विघाती समीकरण का, क्योंकि इसमें आपके पास a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 14 और c की वैल्यू -24 आ गई, तो आप लिख सकते हो यह समीकरण द्विघाती समीकरण के रूप का है। बच्चों इसके आगे के क्वेश्चंस मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगी, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।